पेशेंट को जो है वो ASV अडाप्टिव स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन या स्पोर्ट वेंटिलेशन पे आप एक्टिव कर दें तो आपको सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी किस्म की, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें एडजस्ट करेगा। और जैसे उसके साथ वेंटिलेशन वेंटिलेटर में होते हैं ऐसे मोड, जैसे गलीलियो में आपने या सी टू में देखा हो। इसकी क्या प्राइस है सर? ये हम मार्केट कर रहे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 70-75,000। ठीक है, ये भी रिफर्ब्स में है? रिफर्ब्स में, ठीक। न्यू में हमें, न्यू में यहाँ पे चाय नहीं मिलता है, मैं कॉस्ट बेयर नहीं कर सकता। हाँ जी, और दूसरा ये है कि अपना इससे भी अच्छा एक बाईपैप हमारे पास अवेलेबल है, ये बैटरी ऑपरेटेड के साथ है, और ट्रिकियोस्मी का पेशेंट हो, किसी भी टाइप का पेशेंट हो, उस पर हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी रेस्टमेंट का ही है। विद इन रिफर चैम्बर विद ह्यूमिडिफायर चैम्बर और ऑक्सीजन पोर्ट के साथ है, ठीक है। इसमें हम FiO2 की भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं और हमें हर किस्म का ग्राफ यहाँ पे जो है डिस्प्ले में मिल जाता है। इसमें हमें मैक्सिमम 40 तक प्रेशर मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमारी मॉनिटरिंग में जो है इसकी डिजिटल मॉनिटरिंग है, प्रेशर फ्लो ग्राफिक मॉनिटरिंग है, मिनट वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी रेट, लीक, टाइडल वॉल्यूम और सिंक्रोनाइजेशन। पल्स ऑक्सीमेट्री का एक्सपॉर्ट है, वो साथ में अगर लग जाए तो फिर एक्टिव होती है, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं होती। हम लोग नॉर्मली वो या तो चूचा इस्तेमाल कर लेते हैं या मोनीटर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो किसी रनिंग सेटअप में जहाँ पे आपने काम करना हो प्रॉपरली पल्मोनोलॉजी पे, तो बेस्ट यूनिट है। इसके साथ आपको एक सॉफ्टवेयर मिल सकता है, ये यूनिट लें कोई भी यूनिट लें, उनके साथ कार्ड लगता है, इसके साथ USB लगती है, डायरेक्ट सिस्टम से अटैच हो जाती है। और सॉफ्टवेयर में आप कंप्लीट रीडिंग्स लेने के साथ आप उनकी रिपोर्ट्स भी पेशेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। लोग रिपोर्ट्स का अलहदा पास करते हैं हमसे पेशेंट्स से। सर ड्रिल्स नहीं है, सब पड़े हुए हैं, इनकम्प्लीट है सर। ठीक है, ये सा है सर। सर इसकी तो आप रिक्वायरमेंट डॉक्टर साहब से लिखवा के भेजना, कौन कौन से ड्रिल्स चाहिए, सौ कितने चाहिए, ठीक, कौन कौन सा चाहिए, फिर उस हिसाब से। सर ये मैनुअल ड्रिल्स ही है, मैं जो बात कर रहा था ये भी मैनुअल सर, हमने ये डंप कर दी है वैसे भी, हम शायद आगे इसको सेल ही ना करें क्योंकि सर ये बैन हो गया। बैन नहीं, बैन तो नहीं हुआ, अलबत्त ये है कि अब इसके ना जब पार्ट्स वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, पार्ट्स नहीं मिलते इजी। सर जब हेल्प वाले आते हैं ना तो वो बहुत शोर होता है, ये बैन के लिए बहुत बनाना है, आप इसको डंप करें, वो बड़ा फिर रोना डालते हैं।